भैराइच हिंसा की पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचा है। महर्षि विधायक सुरेश्वर सिंह के साथ पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचा। मुख्यमंत्री से मिलकर मृतक राम गोपाल मिश्रा का परिवार कड़ी कार्रवाई की मांग करेगा। भैराइच हिंसा का पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पहुंचा है। वहीं महर्षि विधायक सुरेश्वर सिंह के साथ ये पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचा है। मुख्यमंत्री से मिलकर के मृतक राम गोपाल मिश्रा का परिवार कड़ी कार्रवाई की मांग भी यहां पर करेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजन फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। राजन, भैराइच हिंसा लगातार बढ़ती चली जा रही है, लगातार ये मुद्दा गर्माता चला जा रहा है और अब पीड़ित परिवार जो है वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मिलने के लिए पहुंचा है, क्या कुछ अपडेट है राजन? देखिए, जिस तरह से पीड़ित परिवार अभी मुख्यमंत्री आवास पे मिलने पहुंचा, इससे पहले भी इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में जो है अब इसमें हलचल बढ़ गया है और ये मामला जो है तुल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। अब वहां पर इस तरह शांति व्यवस्था बने रहे और जिसको लेकर पीड़ित परिवार यहाँ पर विधायक जी लेके पहुंचे थे और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को देखकर और आश्वासन दिया है कि जल्द ही उन लोगों पे कार्रवाई होगा जो कि इस पूरे मामले में दोषी पाए गए हैं। हालांकि इन लोगों में पूरे मामले में 4 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है और कम से कम जो है 10 से 15 लोगों की अभी सरगर्मी से पुलिस तलाश कर रही है और इस पूरे मामले को शांत करने के लिए पुलिस प्रशासन और मंत्री पूरे तरह से वहां जुटे हुए हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले पर जो है शांति व्यवस्था कायम किया जाए। ऐसे में पीड़ित परिवार यहां पर योगी आदित्यनाथ के आवास पर 5 कालिदास लखनऊ में पहुंचे हैं और जिसके बाद से योगी आदित्यनाथ ने पूरी कार्रवाई का आश्वासन दिया है और जल्द से जल्द जो इसमें दोषी हैं उनको जो है उनपे कड़ी कार्रवाई करके उनको जेल भेजने का आश्वासन दिया है। राजन, क्या आज पीड़ित परिवार जो है वो मुख्यमंत्री आवास से बाहर आ गया है या अभी भी सीएम से वार्तालाप उनकी जारी है? नहीं, बिल्कुल बता दें, इस मामले में पीड़ित परिवार को लगा कि मीडिया से वो बचना चाह रही थी, इसीलिए मुख्यमंत्री का जो पीछे वाला आवास का रास्ता है जहाँ पर मुख्य द्वार पे हम सारे मीडिया कर्मी यहाँ पे खड़े थे, उनको पीछे के दरवाजे से पुलिसकर्मी निकाल कर ले गए हैं। जी राजन, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।